नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। दिग्विजय सिंह का हिंदू मुस्लिम आबादी पर बयान, बोले देश में मुस्लिमों की जन्म दर में हिंदुओं से ज्यादा गिरावट, ये 2028 तक हो जाएगा बराबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने WHO की गाइडलाइन का करा उल्लंघन, बिना मास्क पहने सिंधिया से मिलने पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को अपना ही मास्क उतारकर पहनाया। विवादों में घिरी फिल्म रामन लीला, फिल्म निर्देशक और कलाकारों पर FIR की मांग, बोले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही फिल्म किसी थिएटर में नहीं चलने देंगे। फिल्म दिग्विजय सिंह का CM शिवराज को पत्र लिखा, मक्का को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए निर्देश, गुना जिले में 3 लाख से 200% ज्यादा बोल। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 36 नए केस, इंदौर में सबसे ज्यादा 32 पॉजिटिव मिले, भोपाल में 3 और बालाघाट में 1 केस, प्रदेश में 121 एक्टिव केस। इंदौर के मिलिट्री हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट में 30 सैनिक संक्रमित, शहर में भी 2 पॉजिटिव, एक दिन पहले मिले थे केवल 5 मरीज। इंदौर में एंटी माफिया अभियान शुरू, प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने 70 दुकानों और 2 मैरिज गार्डन को JCB से तोड़ा। टाइक्वांडो गेम्स का वर्ल्ड रैंकिंग टेस्ट कॉम्पिटिशन, रूस और अल्बेनिया में दिन का गौरव करेगा फाइट। वैष्णो देवी कटारा से जबलपुर ट्रेन की टाइमिंग बदली, मुरैना से जबलपुर के बीच ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाया, अब 1.25 घंटे पहले पहुंच जाएगी जबलपुर। MP के कई जिलों में हो रही बारिश, इसके साथ ही कुछ इलाकों पर साफ है मौसम। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश का जारी रहेगा दौर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।